Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all doing well and great. तो आज के इस वीडियो में हम कोई DIY नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बीते कुछ दिनों में मेरे साथ हुई। ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के द्वारा सेंड किए हुए कुछ गिफ्ट मटेरियल का अनबॉक्सिंग है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये पहला जो है वो मेरी फ्रेंड मालविका ने शेयर किए हैं। तो उसने ऐसे मिक्स एंड मैच जो भी मटेरियल्स हैं क्राफ्ट के, उसने मुझे शेयर किए हैं। बहुत ढेर सारे टैग सीट हैं इसमें और एक प्यारा सा स्वीट सा लेटर भी है। और थैंक यू सो मच मालविका फॉर सेंडिंग मी। वो भी एक क्राफ्टर हैं बट अभी स्टडी के चलते उन्होंने अपना स्टॉप कर दिया है क्राफ्ट मेकिंग वाला। तो जो भी गुडीज़ उन्होंने शेयर किया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मिरर, स्मॉल वाले मिरर का मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट था। वैसे तो हम बहुत कम बात करते हैं बट जब भी बात करते हैं घंटों बात करते हैं। सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसका DIY तो मैं आपके साथ शेयर ही कर चुकी हूँ। अभी मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ दिशा के भेजे हुए पार्सल का। तो वैसे तो मतलब इसमें सारी चीज़ें मिक्स मैच हैं, मतलब क्लियर करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि सारी चीज़ें उसने एक साथ भेजी हैं। तो मैं अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये लेसेस मिले हैं, इसे मैंने खुद परचेज़ किया है, ये भी मैंने खुद परचेज़ किया है, ठीक है। सो उसने बल्क में चीज़ें ऑर्डर की थी, कभी कभी वो घूमने निकल जाती थी तो वो मुझे वीडियो कॉल करती थी कि देख तुझे ये पसंद है तो मैं ये परचेज़ कर लेती हूँ, तो मैं ले लेती थी जो मुझे पसंद आता था। तो कुछ रैंडम चीज़ें हैं जो ओ उसने भेजे हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये जो इतने मिरर्स बिखरे हुए दिख रहे हैं ना, वो सारे उसने मुझे ही दिए हैं, अपने पिटारे में से निकाल के बॉक्स में करके दिया था, पेपर में लपेट करके। अलग से वो चाहती तो पैकेट में डाल के दे सकती थी बट क्या होता ना, वो उसका वेट ज़्यादा हो जाता, फिर जो हमारा डिलीवरी चार्ज होता वो तो भाई पूछो ही मत। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, CD हैं और ये जो बबल रैप है ना, इसे फोड़ने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही कर रही थी, फिर मेरी बहन ने बोला दी पहले अनबॉक्सिंग तो कर लो, उसके बाद करते रहना इस चीज़ को, अब बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं। और इस तरीके से सारी चीज़ें बिखर गई थी। तो मुझे दिशा ने पहले ही बोला था कि कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाएंगी और तुझे बैठ के उसे क्लियर करना पड़ेगा, तो मुझे मत बोलना। बट हाँ यार, बड़ी मेहनत पड़ी थी खासकर इन सितारों को अलग करने में मुझे। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये जो सितारे हैं ना, मेरे पास तो ढेर सारे हो गए हैं अभी। मैं सोचती हूँ कि मैं इनका क्या क्या और कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करूँ, छोटे वाले बड़े वाले। और ब्लू कलर के शेड काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल जो मैंने बोला आपको कि मैंने परचेस किया था वो IKEA से है। सो IKEA मेरे तरफ डिलीवर अवेलेबल नहीं कराता, सो इस वजह से मैंने उसे बोला यार मुझे कुछ कीपर्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, तो प्लीज़ परचेस कर ले जब भी तू IKEA विज़िट करना। मैंने उसे दिसंबर में बोला था। तो रिसेंटली जब वो IKEA गई तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे क्या क्या पसंद है वो सारी चीज़ें मेरी ले ली, खासकर ये वॉश के वजह से। क्योंकि ये जो वॉश है ना, इसका मतलब अमेज़ॉन पे क्या हाई रेट है यार, मतलब कितना उल्लू बना रहे हैं। मैं साइड में पिक्चर लगा दूँगी, आप देख लेना। मतलब IKEA स्पॉन्सर करता है अमेज़ॉन के थ्रू बट रेट बहुत चला जाता है, क्योंकि ये IKEA पे 99 का है और अमेज़ॉन का अप डाउन रेट है, मैं लगा दूँगी आप देख लेना। तो इस तरीके से अब भी चीज़ों को मैं सबमिट लेती हूँ। वैसे तो ये पूरा वीडियो समझ लो दिशा के नाम का ही बना हुआ है, क्या करूँ मैं। सो यहाँ पे कुछ गिफ्ट उसने मुझे भेजे हैं। एक जो दूसरा अपने बॉक्स देखा वो किसी क्लाइंट का है जो मुझे डिलीवर करना है। सो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेजिन की चेन जो कि उसने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे और मेरी सिस को। मेरा तो एम से आया क्रिएशन के नाम से, मैंने कहा वही मुझे चाहिए, चलो मुझे वही दो, मैं अपने डेस्कटॉप पे ऐसे डेकोरेशन में लगा के रखूँगी, यूज़ नहीं करने जा रही मैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, खुद के लिए परचेस करना है, तो आप प्लीज़ मेरी फ्रेंड का पेज जाके विज़िट करना। फ्रेंड इसलिए नहीं मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, बस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने उसको सीखा है और टाइम दिया और इतने अच्छे से उसको बना के सेल कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जाके एक बार उसे विज़िट करें, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। और साथ में ये प्यारे प्यारे झुमके भी उसने मुझे भेजे, जैसे मुझे झुमके का तो बड़ा क्रेज़ है बट पागल ने गलती कर दी, मुझे मिरर वाला चाहिए था, उसने मुझे ये दे दिया। बट एक और पार्सल आने वाला है जिसमें वो मनाली, दिल्ली और मुंबई के सामान उस पर मिक्स हैं, वो मैं बाद में शेयर करूँगी और नहीं भी करूँगी, पता नहीं। इसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैं थोड़ा सा
खाने वाली चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अनबॉक्सिंग कम व्लॉग ज़्यादा लग रहा है वैसे, क्योंकि इतनी रैंडम बातें होती नहीं है आजकल। DIY शेयर जब भी मैं करती हूँ कहाँ होती हैं यार, कैसे भी कर सकते हैं। सो फटाफट से मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। वैसे ये मैंने बनाया नहीं है, ये स्विगी से मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि अनबॉक्सिंग करके हालत की बैंड बज गई थी और खा के बड़ा मज़ा आया। मैंने ऑर्डर क्यों किया था, क्योंकि मुझे वो कप चाहिए था, सो इसलिए मैंने वो ऑर्डर दे दिया, क्योंकि मुझे उसे DIY करना था। एक वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ जल्दी, जो आप उसमें देखने को मिलेगा कि मैंने इसको कैसे रीयूज़ किया है। सो बस इसी तरीके से ये पापड़ बेल के मैंने सितारों को सारे अलग कर लिए। कुछ तो थे जो ज़्यादा क्वांटिटी में थे उनको मैंने बॉक्स में रख दिया, और जो छोटे छोटे क्वांटिटी में थे उनको मैंने ऐसे पैकेट में ही पैक करके अंदर स्टोर कर लिया ड्रॉअर में। सो देखते हैं इनका मैं कहाँ और कैसे यूज़ करने वाली हूँ, जब बनाऊँगी तो आपके साथ तो शेयर करूँगी। तो इस तरीके से ये भी काम डन हो चुका, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। और उसके बाद दूसरा भी कंटेनर मुझे थोड़ा सा खाली करना पड़ा, क्योंकि हाँ ये तो मैंने बोला था जब इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो स्टोरेज प्रॉब्लम तो मेरे को होगी ही। सो बस कुछ इसी तरीके से वो सारी चीज़ें मैंने रखी जो इसमें रख सकती थी, मिसलेनियस चीज़ें, जैसे कि मिरर्स हो गए। भाई मिरर तो रखने में बड़े अच्छे लगते हैं जब हम रखते हैं इसमें, बट जब निकालना होता है ना तो बड़ी बैंड बजती है नाखूनों की, डर लगता कहीं वो टूट ना जाए। सो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन करके रख ली। और उसने मुझे कुंदन भी भेजे हैं, आपको मैंने एक ही दो कुंदन स्टार्टिंग में दिखाया ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप वो क्लिप इंजॉय कर लो। स्पेशली मुझे स्मॉल मिरर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मेरी दोनों फ्रेंड ने गिफ्ट इसीलिए ये सारी चीज़ें भेजी ताकि वो मुझे मिरर भेज सके। अब मिरर भेजने के साथ साथ इन लोगों ने इतनी चीज़ें भेज दी, सो आई एम वेरी हैप्पी यार, ऐसे फ्रेंड सबको मिलने चाहिए। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं भेजती, अरे उसे भेजती हूँ चीज़ें, ठीक है देख लेना। अब वो शेयर करना पसंद करे उसकी मर्ज़ी, नहीं शेयर करना पसंद करे उसकी मर्ज़ी। सो यार बस कितना प्यारा लग रहा है यार, मेरे तरफ मिरर मिलते ही नहीं है, इसलिए आपको मेरे YouTube चैनल पे मिरर से रिलेटेड DIY बहुत कम मिलेंगे। सो ये भी डन हो गया। अभी मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है हमारा। मेरा तो अभी बाकी है, पेंडिंग है, तो अभी बस दिशा के नाम की ये चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने सोचा इसे भी क्लिप शेयर कर देते हैं। तो बस एक छोटी सी ट्रीट थी उसकी तरफ से, जो कि हमें सेलिब्रेट की वर्चुअली, उसने वहाँ पे पार्टी की या मैंने यहाँ पे पार्टी की, मतलब उसकी तरफ से ये पार्टी। तो मुझे बिरयानी पसंद है, तो वैसे तो वो वेजिटेरियन है, बट वो बड़ी गुस्सा कर रही थी, तुझे आज के दिन भी तुझे मतलब वेजी नहीं खाना, नॉन वेज खाना। हाँ यार पसंद है तो क्या कर सकते हैं, तो बट उसने दिल पे पत्थर रख के कर दिया वो मेरे लिए ऑर्डर। और उसने मेरी सिस के लिए पिज़्ज़ा पार्टी दी, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा ही पसंद है। भाई मेरी बहन का बड़ा ख्याल रहता है उसको। सो इस तरीके से ये भी ख़त्म कर दिया मैंने, बहुत यम्मी था, थैंक यू सो मच दिशा इसके लिए। ऐसे दूर थे तो क्या हुआ, बट पार्टी करने का मौका और बहाना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, जब भी मौका मिले टूट पड़ो। व्लॉग को सोचा था किसी और तरीके से बनाकर आपके साथ शेयर करना, बट गर्मी इतनी हो रही है कि बाहर जाने का मन नहीं किया, तो जैसे तैसे ये व्लॉग बन गया, आप इंजॉय कर लो। और ये पिज़्ज़ा भी मेरी तरफ से आप खा ही लो, दिशा को नहीं बताना ठीक है कि मैंने आपको दिया है। हाँ और ये बस पार्टी ख़त्म हो गई, बाकी सेलिब्रेशन पहले हुई थी और अनबॉक्सिंग बाद में हुई थी, मैंने खाने की क्लिपिंग बाद में ऐड की ताकि आप व्लॉग में बने रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये ना ये व्लॉग को शूट करने तक का ही मैंने नेल रखा था, क्योंकि ये टूटने के कगार पे था। आप सोचो मैं इसे तोड़ रही हूँ, काट रही हूँ, आपके सामने को कितना मज़ा आ रहा होगा, पहले पार्टी फिर सजा, ऊपर वाला ना सब कुछ एक साथ नहीं देता है। काम कर रही हूँ एक नए व्लॉग पे, अगर बन गया तो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, अगर नहीं बन गया तो पता नहीं कब शेयर करूँगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऊटपटांग व्लॉग के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।